भाजपा झूठ की बुनियाद पर पूरे देश में झूठ की बयार बहा रही है। झूठ की इस बड़ी ताकत के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के तरह कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिलकर पूरी चट्टानी एकता के साथ लड़ना है और जीतना है। उक्त बातें देवघर जिला कांग्रेस कमेटी तथा जरमुंडे विधानसभा कमेटी की आयोजित विशेष बैठक में बिहार विधानसभा मंडल दल के नेता तथा गौरजा लोकसभा के पर्यवेक्षक डॉक्टर शकील अहमद खान ने पार्टी नेताओं तथा कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा। यह बैठक आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यालय देवघर में जिला अध्यक्ष उदय प्रकाश की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस नेता डॉक्टर शकील ने शिरकत की तथा उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं यहाँ टिकट या सीट निर्धारण करने नहीं आया हूँ। मैं आपकी भावनाओं को आलाकमान तक पहुंचाने का काम करूंगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, अब हमें चुनावी समर में उतर जाना है। इसके लिए रणनीति और कार्य योजना तय करनी है। चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज हमारी लड़ाई किससे है और क्या मुद्दा है। पूरा देश वाकिफ है कि देश में एक नफरत का माहौल, नफरती वातावरण, झूठे वादों, प्रोपेगंडा, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी द्वारा फैलाई जा रही झूठी प्रचार तथा जाति धर्म और पगड़ी टोपी की बात कर आपसी सौहार्द बिगाड़ कर देश की एकता और मजबूती को भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दिया। यहाँ आर्थिक नीति की मजबूती पर नहीं बात होती है जिसमें आम लोगों का चूल्हा चलेगा, बेरोजगारी की बात नहीं होती है जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ सामाजिक एकता को समाप्त कर देश को खस्ता हाल कर दिया है। पूरे देश में सोने की सड़क बना दे, दूध की नदियां बहा दे, परंतु आपकी शांति छीन ली जाए तो आप कहीं सुकून से नहीं रह सकते, आपका विकास संभव नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी ने आपके सुकून को छीन लिया है, दिमागी शांति के साथ समाज की शांति को भंग कर दिया है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी बढ़ गई है। जैसे आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर गांधी के विचारों से देश को आजाद किया, ठीक उसी प्रकार ऐसी फिरका परस्त ताकत का मुकाबला हमें डटकर करना पड़ेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से समाज की एकता, आपसी प्रेम, बंधुत्व को बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस का दायित्व है कि हम इस मिशन को आगे बढ़ाएं। यहाँ बाबा वैद्यनाथ की नगरी है, हर रोज यहाँ लाखों भक्त बाबा की शरण में आते हैं, बाबा से वरदान और आशीर्वाद मांगते हैं, देश और घर की शांति सुख समृद्धि की कामना करते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति यह नहीं मांगता कि मैं उसकी हत्या कर दूं, मैं उसके बीच नफरत फैलाने का काम करूं। सबकी दिली इच्छा रहती है कि हम एक साथ समाज में मिलजुल कर शांति और खुशहाल रहें और शांत समृद्ध तथा विकसित समाज की स्थापना कर सके। यह जिम्मेदारी आज पढ़े लिखे और प्रबुद्ध जनों के ऊपर विशेष रूप से बढ़ गई है। इतिहास में डॉक्टर मनमोहन सिंह के 10 वर्षों के कार्यकाल को अगर हम पढ़ें तो इसका अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि शासन आम लोगों के लिए, सभी के हितों के साथ आर्थिक समृद्धि के लिए था। लेकिन वही भाजपा के मोदी सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल को देखें तो सिर्फ लड़ना, लड़ाना, नफरत फैलाना, जातीय हिंसा बढ़ाना ही दिखाई पड़ता है। भावना को बिगाड़ा है, देश की तरक्की कमजोर हो गई है, आर्थिक नीति कमजोर होने के कारण हमारा रुपया डॉलर से मुकाबले बहुत सस्ता हो गया है, महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है। कांग्रेस पार्टी अपने गारंटी योजना के तहत दो मुख्य मुद्दे कांग्रेस पार्टी रखती रही है अपने हाल के चुनाव में, सामाजिक एकता और सामाजिक न्याय और समाज की तरक्की। तो हम सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक एकता के लिए, क्योंकि एकता इसलिए ज़रूरी है कि वो संविधान में लिखा हुआ है, यह देश धर्मनिरपेक्ष देश। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि सभी धर्मों की इज्जत, सभी धर्मों का सम्मान, ये उसके रूह में शामिल है। इसके खिलाफ जो भी काम करता है वो संविधान विरोधी काम करता है। भारतीय जनता पार्टी परंपरागत तरीके से संविधान विरोधी काम करती है। इन सब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी, जिसका अपना इतिहास है, वो किस तरह से काम करके भाजपा को कारण है आज की मीटिंग। कितने सर ये झारखंड में जो है सर, कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी इंडिया गठबंधन के तहत? कुछ निगोशिएशन आज रांची में हो रहे हैं, जो यहाँ का मुख्यालय है, जो हमारे पास सम्मानजनक सीटें हैं, आगे पीछे अलायंस में चीज़ें होती हैं,
वो होंगे, लेकिन उसके फैसले के लिए भी मैं नहीं हूँ। मैं पूर्ण रूप से तैयारी कैसे रहेगी इस तीन ज़िले में उसके लिए आया हूँ। वो शाम तक कल तक आपको वहाँ का सर बिहार में सर आप जी ये जो हमारे बड़का झूठा पार्टी हमने नहीं बोला, नीतीश जी ने बड़का झूठा पार्टी के साथ हाथ मिलाया। चार पार्टी की सरकार चल रही है वहाँ, जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान और माझी, तो चारों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह तय ही करना पड़ेगा कि और कितना मारेंगे, जनता को कितना दबाएंगे, परेशान करेंगे, कुचलेंगे और कैसे इस पर रोक लगेगी। सिर्फ मामला वातावरण भ्रष्टाचार मय हो चुका है और चारों तरफ ऐसा लगता है कि बिहार में अंधकार का माहौल ला दिया गया। वहाँ भी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, अभी तो हम वहाँ स्मार्ट मीटर के खिलाफ हम लोग जन आंदोलन में लगे हुए हैं, वो भी एक नया तरीका है गरीबों को लूटने का, तो बिहार में यही चल रहा है। सर बिहार में स्मार्ट मीटर के लिए आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो झारखंड में भी तो स्मार्ट मीटर लगा हुआ, उसके लिए झारखंड के लिए क्या सोचा जा रहा है? जो चुनाव के सारे मुद्दे रहेंगे उसमें क्या दिक्कत, चुनाव में है ना, चुनाव में जो भी जनता विरोधी मुद्दे हैं वो सब चुनाव में अलायंस पार्टनर के साथ हम लोग बोलेंगे। धन्यवाद।